आलमी योगा दिन पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भी की शिरकत। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे हैं लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 127 समर्थन किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएस हेडक्वार्टर योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को सरहदी जिला पुंछ में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की क्यादत में योगा किया गया। सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मुलाजमीन और अहम शख्सियात और तलबा शामिल। कोबरा पोज भी कहते हैं, भुजंग आसन भी कहते हैं, जैसे हम पुशअप करते हैं ऑलमोस्ट लाइक दैट। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से मकर आसन में चले जाए। लेफ्ट पट्टा है वो सामने की ओर ही रहेगा, पाँव के राइट पंजे को बाहर की ओर निकालना है। राइट बिल्कुल सही, राइट पंजे को बाहर की ओर निकालना है और राइट साइड अपनी बॉडी को झुकाना है। राइट साइड पाँव को टच करने का प्रयास करना है और आपने देखना अपने लेफ्ट हैंड की ओर है तो गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमी रहेगी। हथेली को अपने फेस की ओर रखें, आपकी जो उंगलियां हैं वो नीचे की ओर रहेंगी। हमारा ये योगा इंस्ट्रक्टर आपको घूम के बता भी देगा कैसे रखनी है। June 21 10th इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे ऑनरेबल PM ने जैसे SKICC श्रीनगर से योगा डे का आगाज किया, वैसे ही हर एक ज़िले में इंक्लूडिंग पुंछ ज़िले में योगा डे सेलिब्रेट किया गया और भारी तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की और पूरे शिद्दत से और इंतजाजम से कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। और यही इंतजाजम देख के हमारी कोशिश रहेगी कि हम योगा को नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में रूटीन तरीके से चलाने की पूरी कोशिश करें।
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के साथ साथ और हमारी रियासत और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 10th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब SKICC से बरह रास्त हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। और ये बारिश के कारण, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, हमने बाहर रखा था और बड़े अच्छे इंतजाम थे, लेकिन हमें लास्ट पे अंदर इंडोर करना पड़ा। बहुत लोगों ने तावन किया, पूरे डिपार्टमेंट से तावन किया, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से, जनाब DC साहब का और सभी का और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आयुष डिपार्टमेंट के साथ बड़ा तावन किया। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह साहब की क्यादत में और हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर डॉक्टर संजय रैना साहब ने इसमें बहुत पहन लिया और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। योगा जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें सबको अपनाना चाहिए, हमें हर दिन करना चाहिए और इसे हमें ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा समाज जो है वो तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे और हम इसे अपना हिस्सा योगदान डाल सकें मुल्क की तरक्की में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रेड शो 2024 का इफ्तिताह किया, कहा इस साल 86 लाख सियाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूरी दुनिया का इसी श्रीनगर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ और वेलनेस के लिए योग अपनाने का आह्वान भी किया। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही और उसी के साथ लोग जम्मू कश्मीर का नाम भी ले रहे हैं। गत वर्ष मई महीने में G20 के आयोजन के बाद ये दूसरा अवसर है जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन हम कर सकते हैं। जो सुबह हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रांड जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबको सफलता मिल रही। पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो आर्टिजन्स हो, हस्तशिल्प के कलाकार हो, इंटरप्रेन्योर्स हो, इनसे बेहतर मैं समझता हूं कि कोई इसे नहीं जानता है। कला के कोर्स को संरक्षित रखने के साथ साथ आर्टिजन्स बदलते समय का लेखा जोखा भी रखते हैं। मैं यहाँ उपस्थित मित्रों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जनवरी से मई महीने के बीच लगभग 80 लाख टूरिस्ट आए थे और इस साल 86 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। उसी अवधि में, मैं जून को छोड़ दे रहा, अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं जिससे यहाँ विश्व प्रसिद्ध कला से यहाँ के नौजवान जुड़े। कारखानदार स्कीम हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन हो, इनके कारण हमें सफलता मिल रही है। पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे और आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट की संख्या हमारी 760 हो गई। खड़ी सुल्तान शो स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल में भी 10वीं आलमी योगा दिवस पर तकरीब मुनक्कद हुई, हजारों अफराद ने की शिरकत। दिस इज समास्थिति, दिस इज आत्सु काल, अपने मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। टू द मोशन एक्सहेल व्हाइल कमिंग डाउन, डू अ फुल रोटेशन, देन रोटेट द हेड इन एन एंटी क्लॉक ऑफ शोल्डर मूवमेंट। आप समास्थिति में आए, लेग पोस्चर Repeat this asana. This asana brings stability in the body, helps to clear congestion of the spinal nerves and corrects with normal regime. Return with inhalation. Sit in Vajrasana, then in Dandasana. Keep the hands beside the hips and palms resting on the floor. This will help on your hands. तो हमारे मॉरल हेल्थ है, उसमें भी एक बड़ा एक हमारा मस्बत असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से योगा एक बहुत मतलब हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे अपने हम मतलब इंडिविजुअल के लिए
बहुत एक अच्छी क्या कहते हैं हमारे लिए एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को हमें अपने डे टू लाइफ में रूटीन में हमें अपने घर पे भी इसको योगा को जो डिफरेंट टाइप के योगा से उसको हमें रोज़ कुछ टाइम निकाल के तो करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी फिट रहे। सर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए सर काउंसिल क्या इनिशिएटिव्स और ले रहे हैं सर? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए हम अभी रिसेंटली हमने इससे पहले जो एनसीसी से पहले हमने जो स्पोर्ट्स के कंपनी सेक्रेटरी से बात किया, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड खासकर जो इक्विपमेंट वगैरह है तो उस पर बच्चों को जिस मतलब फील्ड में स्पोर्ट्स के जिस फील्ड में हो तो उन सब में बच्चों को जहाँ जहाँ भी इंटरेस्ट हो हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है चाहे इक्विपमेंट हो चाहे कुछ हो अगले एक दो साल में पूरा हर फील्ड में चाहे आपका हाउस पोल हो चाहे आर्चरी हो चाहे आपका ये आइस हॉकी हो चाहे के टेकंडो हो उन सब को हम कोशिश करेंगे उन सब फील्ड में और बाकी जो स्पोर्ट्स के शोबे हैं उन सब में हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को जिस जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें हम पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्द यूटी लेवल पे भी हमारे मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सुनील डिंपल ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। रियासत का दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान किया था और आज प्रधानमंत्री जी अगर रियासत के दर्जे की वापसी की बात करते हैं और असेंबली के चुनाव करवाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कबूल कर लिया कि 5 अगस्त 2019 को उनके जो फैसले थे वो गलत थे, वो जो रियासत को तोड़ना यूनियन टेरिटरी बनाना और आज तक असेंबली के चुनाव नहीं होने दे रहे थे जो वो ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने दे रही थी। ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है तो फिर प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर थोड़ी ना चुनाव होते या नहीं होते। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक राहत जम्मू कश्मीर के लोगों ने महसूस की है और ये अवाम की जीत है, सुप्रीम कोर्ट की जीत है और आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे कि बहुत सी बातें अभी बाकी हैं जो हमें हिसाब करना है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले हमने साबित कर लिया कि पार्लियामेंट के चुनावों में भी मंजूर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और सुनील जी 3300 करोड़ और साथ ही साथ 2000 अपॉइंटमेंट्स क्या कहेंगे इस पर आप? अरे यार 30 लाख बेरोजगार मेरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हो गया। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम बर्बाद कर दी गई। हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारी रेत बजरी पहाड़, स्मार्ट मीटर, पावर प्रोजेक्ट, दरबार मूव रोक दिया। अभी इसका हिसाब बाकी है भाई, ये सब शुरू करवाएंगे हम। और जितने गलत फैसले हैं मैं पत्रकार मित्र आज बता रहा हूँ आपको, अभी जंग अभी शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जीत पाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर में हमारी जो जंग थी वो रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की मांग थी। आप अपने मंसूबे में कामयाब चांस दे रहे हैं, आप पहले कह रहे थे कि हम पत्रकार मित्रों हम इससे बड़ी जंग जीतने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत। किश्तवाड़ में भी योगा दिवस पर तकरीब मुनक्कद हुई, जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ हुए शरीक। इतना ही कहूंगा कि ये हमारे देश की एक धरोहर है जिसको हम लोगों ने और आगे वाली यंग जनरेशन ने बचाना है। आज हम यहाँ पे हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड जो कि किश्तवाड़ की शान है यहाँ पे योगा करेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, एक सिंगल दिन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होके आगे भी इसको करते रहेंगे। और मेरी पूरी आयुष टीम को, एडीसी साहब को और पीएचई टीम को, म्यूनिसिपैलिटी को, पुलिस को, सभी को मुबारकबाद है जिन्होंने आज इसको यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है। और क्योंकि श्रीनगर में भी बारिश हो रही है इस वजह से हम लोग भी अभी इस इवेंट को पीएम साहब के लाइव नहीं देख पा रहे,
उसमें भी थोड़ा डिले हुआ है, तो मेरे को उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा शायद हम वो भी प्रोग्राम अपने सामने स्टार्ट होते हुए देख पाएंगे। इसी के साथ सभी को बेस्ट विशेस है और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त किश्तवाड़ की आवाम को मेरी मुबारकबाद हो। थैंक यू, जय हिंद। घुटनों पर आप सब खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर इस तरह रखें कि फिंगर जमीन की ओर हो। इसमें अगेन आप अपने हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट करेंगे, सिर को पीछे की ओर झुकाएं, सांस लेते हुए घर को जितना पॉसिबल हो पीछे झुकाएं। इस पोजीशन में हम 10 से 30 सेकंड तक बने रहेंगे। सांस लेते हुए सामान्य अवस्था में लेटते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। ये आसन हमारी नेक और बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन और कमर दर्द को आसन दंड आसन में वापस आ जाए। अपने पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठे, वहीं तरफ घुमाएं